हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू OESF फैमिली रिएक्शंस। मेरा नाम है वकास। मैं हूं मिसेस वकास। तो भाई, लेकर हाजिर हैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो कपिल शर्मा शो की तरफ से। तो वो वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इसके अलावा हमारी इंस्टाग्राम आईडी और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करके अपने सजेशंस दे सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो हेरा फेरी स्टाइल है कुछ, और विकल्प और तब्बो यहाँ मौजूद हैं। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो और देखते हैं कि ये वीडियो कैसी होने वाली है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सीआईडी वाले, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। कोई हिलने की कोशिश नहीं करेगा, सीआईडी की टीम आ चुकी है। तो उनको अंदर भेजो फिर। हम ही है सीआईडी की टीम। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? सीआईडी की टीम मैंने देखी, वो तो ऐसी है ही नहीं बिल्कुल। अरे वो तो पैंडेमिक के दौरान बहुत ज्यादा केसेस नहीं थे हमारे पास, तो घर पे बैठे बैठे खा खा के थोड़े से मोटे हो गए। तो इनके हिस्से का भी आपने खा लिया? ये दया मुझे लग ही नहीं रहा, दया पे मुझे दया आ रही है। हम आपसे बातें करने आए ही नहीं है, समझ रहे हैं आप? क्या करने आए फिर आप? ये चलते प्रोग्राम में उंगली करने आए आप? दया गौर से देखो, अजय जी, तबू जी, श्रेया जी, इशिता, मृणाल, सब के सब एक साथ आज यहाँ पर आकर बैठे हैं, इसका मतलब समझ रहे हो दया? इसका मतलब इन्होंने जो दृश्यम फिल्म की थी ना, उसका दूसरा पार्ट बना क्या है? नहीं दया, नहीं, ये जरूर यहाँ दृश्यम 2 के लिए आए हैं। ये आप लोग तो सेम ही बात कर रहे हो दोनों। इनकी बात का मतलब समझे दया? हाँ सर, ये कपिल शर्मा बहुत समझदार आदमी है। नहीं, ये कहना चाह रहे हैं कि हम दोनों बहुत बेवकूफ हैं। यस सर। लेकिन ऐसा है नहीं। तबू जी, हम यहाँ पर आपके लिए आए हैं, ये केस सॉल्व करने के लिए। आपने 2 फिल्में कर दी। हाँ। एक महीने का राशन हमारे घर पे भेज देते, हम सॉल्व कर देते ये केस। मैं तो 2 फिल्मों में भी नहीं सॉल्व कर पा रही हूँ। केस सॉल्व करने के लिए इन्होंने अक्षय खन्ना का रखा हुआ है। हाँ। उन्हें राशन की क्या जरूरत पड़ती है, वो तो बहुत बड़े कलाकार हैं। वैसे तबू जी, मैं आपको बताऊं, पहली फिल्म में आप विजय सलगांवकर को क्यों नहीं पकड़ पाए? क्यों? जो आदमी 4-4 गोलमाल करके बैठा हो उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। ये मूवी तुमको दिखाई दी है? जीनियस। दया, गोलमाल से मुझे याद आया। क्या हुआ सर? नहीं, गोलमाल का जोक याद आया ना, इसलिए। बहुत फनी थी गोलमाल। वैसे जोक से मुझे एक और बात याद आई, ये तुम दया हो, ये आलू है, अब तुम दयालु हो। शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल सीरियस बैठे। छोटा सा वर्ड प्ले करने के लिए सुबह से 1.5 किलो का आलू लेके घूम रहे हो आप। मैं आपके साथ काम नहीं। क्या हुआ, पैर में चोट आई है? हाँ सर, वो आपने दरवाजा तोड़ने बोला था ना, वो टांग टूट गई। क्या हुआ, दरवाजा लोहे का था? नहीं नहीं, जिसका दरवाजा था उसके हाथ में लोहा था सर। उल्टा सीन। अरे तुमने उसको बताया क्यों नहीं कि तुम मेरे साथ काम करते हो? सर बताया सर, इसलिए और मारा उसने सर। जरूर मेरा कोई पुराना दुश्मन होगा। हाँ सर, आपके पिताजी थे। ये बातें बाद में होती रहेंगी। इशिता दत्ता, हमने देखा है इस कहानी में जो कुछ भी हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है। सही है सर, एक्चुअली फसाद की जड़। इसीलिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि 14 फरवरी को आप कहाँ थी? 14 फरवरी? नहीं सर, कहाँ थी? 2 अक्टूबर को कहाँ थी, ये क्वेश्चन पूछा। 2 अक्टूबर को सब पता है। 2 अक्टूबर को सत्संग पे गए हुए थे, पंजी में स्वामी चिन्मयानंदी का सत्संग था, रास्ते में पाव भाजी खाई थी, ATM पे रुके, सबको पता है। हमें 14 फरवरी के बारे में जानना है, क्या है वो दिन? वैलेंटाइन डे है, इससे पता चल जाएगा ये सिंगल है या नहीं है। शादीशुदा हूं मैं। शादीशुदा का मतलब समझ रहे हो दया?
हाँ सर, मतलब इनका एक पति भी है। ठीक है सर। नहीं 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 सर, सही सही पकड़। नहीं सर, ये गलत बात है, ये किसी की पत्नी है। बात तो वही है। क्या बात की है? ये भी तो हो सकता है दया कि ये एक दूसरे के पति पत्नी हो। सर जी, ये पॉइंट किसी ने नोटिस नहीं किया सर। थैंक यू। इस बात के लिए तो भारत सरकार द्वारा आपको बुलडोजर के नीचे दे देना चाहिए। बाबू जी, जैसा कि आप देख सकती हैं, ये केस 99% तो सॉल्व हो चुका है, बाकी बचा 1%। हमारे पास चश्मदीद गवाह भी है, विजय सलगांवकर को तो हम पकड़ के रहेंगे। गवाह आओ, सबके सामने बताओ उस रात तुमने क्या देखा। सर सर, मैंने देखा इनके हाथ में फावड़ा था। यानी कि बात साफ है दया, जलेबी खा खा के ये बोर हो गए कि नमकीन खाने का मन किया तो इन्होंने फाफड़ा खरीदा। सर फाफड़ा नहीं सर, फावड़ा था। फावड़ा क्या होता है सर? जिसे इन्होंने गड्ढा खोद रहे थे। अच्छा, फावड़ा। हाँ। फावड़ा गड्ढा खोद रहे थे। हाँ। हाँ। सर वहाँ पर एक बोरी भी रखी थी। बोरी रखी थी, इसका मतलब समझ रहे हो दया? यानी कि वो पानी भर के वहाँ पे मछलियाँ नहीं पालना चाह रहे थे, बोरी में अनाज था, बीज था, बीज को वो बोकर वहाँ पर फसल उगाना चाह रहे थे। यानी कि विजय सलगांवकर खेती का भी शौक रखते है। अरे क्या कर रहे सर, उसमें बीज नहीं था, ये घबराए हुए थे। घबराए हुए थे, मुझे लगता है बोरी में इंसान था। इंसान था बोरी में, इसका मतलब समझ रहे हो दया? यानी कि वो इंसान बोरी में छिप के बीज चुरा रहा था। अरे देवगढ़ की तरह साफ है, हम यहाँ पर किसी कातिल को ढूंढ ही नहीं रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं बीज चोर को। अरे वो बीज चोर नहीं है सर, ये क्लियरली बोल रहा है सर, वो बोरी में लाश को दफना रहा था, लाश इनके बेटे की थी और वो खड्डा खोद के डाल रहा था। सर आप समझ नहीं रहे सर। तुमने क्या देखा, उसके बाद क्या देखा? सर उसके बाद मैंने देखा इंटरवल हो गया। इंटरवल। इंटरवेल हो गया मतलब? ये सब तुमने कहाँ देखा? ये सर मैंने दृश्यम फिल्म में देखा। मैंने भी देखा। क्या मस्त फिल्म थी सर, सेकंड पार्ट आ रहा है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के मैं बता दूंगा इन्होंने आगे क्या किया। वेरी गुड। फर्स्ट पार्ट तो तुमने देख लिया। हाँ सर। सेकंड तक शायद तुम पहुंच ना पाओगे। आज तक दरवाजा तोड़ा है ना, फॉर अ चेंज आज एक मुंह तोड़ो। नहीं नहीं तोड़ो, एक्सक्यूज मी, हमको एक मिनट रुको। कौन आया भाई हेरा फेरी वाले? हे बाबू भैया, हे राजू, ये हम हेरा फेरी से डायरेक्ट कपिल शर्मा शो में आ गया क्या? वो तो ठीक कर रहा है सुनील शेट्टी, लेकिन यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है? अरे लाइट चली गई क्या? ओ बाबू भैया, हेलो, इधर आओ। लाइट नहीं गई है, अपना हेडलाइट लगाओ बराबर से। क्या बात है? सो गुड। बाबू भैया उधर देखो, कपिल शर्मा। देवा रे देवा, कपिल शर्मा एकदम अजय देवगन जैसा दिख रहा है। हेलो बाबू भैया, वो अजय देवगन ही है, उधर देखो, उधर उधर। देवा रे देवा, ये तो डिट्टो कपिल शर्मा जैसा दिख रहा है। हाँ, बाटली रे बाटली। बाबू भैया बाटली नहीं, वो अर्चना जी है, अर्चना जी। मालूम है बाबा, बाटली उसका कुर्सी का नीचे। दोस्तों मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, एक समय होता था जब इस कुर्सी के नीचे शेयर्स होते थे, लेकिन अब इस कुर्सी के नीचे चीयर्स होता है। चीयर्स। राजू पहचाना? अरे अनुराधा आई है, मेरी अनुराधा। चश्मा निकल गया। पहचाना मुझे? मैं लड़का पा पा पा, तू लड़की पा पा पा।
हम दोनों मिले पापा पर पापा पापा बाबू भैया पापा ये राजू ये मूली का पराठा मैं खाया था ये इतना पापा पर काय को कर रहा है अरे वो बात नहीं है बाबू भैया ये इनका गाना था मैं लड़का पो 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 तू लड़की पो 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 और ऐसा गाना अजय साहब का भी था सन ऑफ सरदार में पो 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 तो उस प्रकार से गाना है। नहीं 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 राजू तुम गलती कर रहे हो वो अजय वाला पो 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 था लेकिन ये मैं लड़का पो 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 तू लड़की पो 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 हम दोनों मिले पो पो ये पो पो शाम एक बात कैसी है कि दोनों गानों में पोंपो पो आ रहा है ये इंपॉर्टेंट चीज है। अरे तू समझ नहीं रहा मैं लड़का पोंपो पो तू लड़की पोंपो हम दोनों मिले पोंपो वो अन्ना और अनुराधा वाला पोंपो अजय वाला पोंपो नहीं है यार। ए भगवान कौन समझा आप थोड़ा समझाइए इसको हैं थोड़ा समझाइए। ए राजू किससे बात कर रहा है? अरे आपने सुना नहीं ये हमेशा कहता ना धरती मेरी माँ है धरती मेरी माँ। तेरे को अक्कल नहीं है छोटी बच्ची है क्या? गलत बात है बाबू भैया इस बार इसे लीजिए राजू से मैंने पिछले महीने दोनों किराए निकालो किराए निकालो किराए की बिल्कुल चिंता मत कीजिए मेरे पास में एक स्कीम है 25 दिन में पैसा डबल हो जाता है मैं आप लोगों के पैसे डबल करवा देता हूँ चिंता मत करो बाबू भैया इसकी बातों में मत आना ये आपको वो बना देगा। वो क्या? वो वही जो मौका मिलने पर एक आदमी दूसरे आदमी को बना देता है। हाँ राजू तू मेरे को वो बना रहा है? हाँ वो बनाऊंगा क्योंकि यही तो राजू का स्टाइल है। ये क्या क्या ये बाबूराव का स्टाइल है ये बाबूराव का स्टाइल है। बहुत गलत किया आपने ऐसा नहीं करना चाहिए इसका बदला लूंगा मैं क्योंकि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। अरे ए बाबा ए रुक जा ये किसी दूसरी फिल्म का डायलॉग है। बोल सकते हैं क्या? अरुण को देख के नहीं लगता वो किसी का खून कर सकता है उसे देख के तो लगता है वो किसी का बिछड़ा और अंजा और किसी लैला का सताया मजनू। दिलवाले तो बहुत देखे लेकिन प्यार में जो पागल हो जाए ऐसे दिलवाले को आज पहली बार देखे। चाई चप्पा चाई चप्पा के चाई अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं और नहीं तुम पिक्चर का डायलॉग काय को बोल रहा है? हेरा फेरी के बारे में बोल। सॉरी सॉरी चल कोई नहीं बोल रहा मैं बोलता है हेरा फेरी फिल्म 2000 में बनी। बाबू भैया 2000 में नहीं बनी थी हेरा फेरी फिल्म 7.5 करोड़ में बनी थी और 18 करोड़ फिल्म में कमाया था पैसा ही पैसा हुआ था। अरे देवा रे देवा मैं 2000 रुपया की नहीं रे सन की बात कर रहा हूँ। अच्छा सन की बात कर सकते हैं क्या? हाय गाइस 30 साल से आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं अभी आन भी अच्छा काम कर रहा है उसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। राजू तूने मेरा घर बेचा मेरा जायदाद बेचा अरे इसका भेजा काय को नहीं बेचा? काय को नहीं बेचा? मुझे ज्यादा पैसे चाहिए थे इसलिए मैंने महंगी चीज बेची। मैंने बाबू भैया आपका किडनी बेच दिया। बाबू भैया 20,000 रुपए मिले 20,000। तो क्या मैं बगैर किडनी का है? 50 रुपए काटो ओवर एक्टिंग का। अबे किडनी यहाँ नहीं होता पहली बात और दूसरी चीज टेंशन करने की जरूरत नहीं है मैंने एक यंग कुत्ते का किडनी लगवा दिया है। कुत्रिया तूने मेरे को कुत्ते का किडनी लगाया? राजू राजू मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं राजू। लगेगा मुझे लगेगा मुझे इसको तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा इसने मेरे खिलाफ अनुराधा को बहुत भड़काया। चिंताल तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा मथुर। अब तेरी तो दादा ठाकुर वीडियो हो गई है यहाँ पे कंप्लीट यार।
अच्छा तो वो पहले वाले मुझे तो उसको समझ नहीं आया क्योंकि मैंने मूवी तो देखी नहीं, देखी भी होगी तो शायद मेरे ज़हन में नहीं है। दृश्यम जो है वो अजय देवगन की मूवी थी, बड़ी जबरदस्त थी। उसमें अजय देवगन ने जो है ना वो समझो एक किस्म के विलन का रोल कह सकते हैं उसके अंदर, अपनी बेटी को बचाने के लिए। क्यों शॉर्ट से बताया तो उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड था, सही है, उसका मर्डर गलती से हो गया अजय देवगन से। अच्छा। तो बस उसको वहीं जो पुलिस स्टेशन था गोवा का, वहां पे उन्होंने जाके डंप किया उसकी बॉडी को, ठीक है। ये फिल्म और देखी मैंने वैसे, पता नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने देखी हुई है बारह। आपने देखी, आपने तो थोड़ी कौन सी है, बड़ी जबरदस्त मूवी है। लेकिन यार ये सारा जितना भी सिचुएशन यहाँ पे बनी ना, मतलब पहले इनको सीआईडी वाले आके हंसाने की कोशिश करते रहे, फिर हेरा फेरी टीम, हालांकि हेरा फेरी टीम की परफॉर्मेंस थी वो बहुत जबरदस्त थी। अक्षय कुमार का रियल साउंड लग रहा था मुझे, बाबू भैया का भी रियल साउंड लग रहा था, सुनील शेट्टी के साउंड के अंदर जो है ना वो कुछ थोड़ा बहुत थी उसमें फ्लक्चुएशन थी, लेकिन अक्षय कुमार वाला जो बंदा था वो बिल्कुल तकरीबन 95% अबव था उसका जो मिमिक्री थी वो बिल्कुल जबरदस्त हो रही थी। तो लेकिन मैं अजय देवगन को नोट कर रहा था कंटिन्यूसली वो सिर्फ मुस्कुरा रहे थे, हंसे खुल के, कहते हैं ना कि बंदे मतलब को ये है कि उनको ये जोक्स जो है वो पसंद नहीं आए, लेकिन हम लोगों ने तो इसको एंजॉय किया काफी। आप लोगों ने बताना है कमेंट में कि आप लोगों ने एंजॉय किया या नहीं किया। वैसे तुमने कौन से सीन में ज्यादा एंजॉय किया? ये हेरा फेरी, हेरा फेरी वाले कह रही हूँ ना, हेरा फेरी, क्योंकि मैंने देखी हुई है तो उसके हर पार्ट पे जो जो पार्ट बता रहे थे वो सारे पार्ट जहन में आ रहे थे, में आगे आगे आ रहे थे। अच्छा, इसके अलावा वो जो सुनील शेट्टी की मिमिक्री कर रहे थे उन्होंने जो है वो दिलवाले फिल्म जो है मोहरा फिल्म उसकी भी कुछ डायलॉग्स की मिमिक्री की, तो बड़े जबरदस्त डिलीवरी थी वो भी, देखे हुए थे, वो भी बहुत जबरदस्त डिलीवरी थी। जो जो डायलॉग बोले तो वो जहन में आ रहे थे तो वो और ज्यादा। अच्छा, दिलवाले के हीरो भी अजय देवगन थे, सही है। मोहरा, इसके अलावा मोहरा में तो अजय देवगन नहीं थे बहरहाल, लेकिन वो जो दूसरी थी हाँ दिल वाले उसके अजय देवगन जो है वो हीरो थे, और सुनील शेट्टी भी सेकंड हीरो जो है वो लीड हीरो का रोल कर रहे थे उसके अंदर। बहरहाल वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ, खुदा हाफिज़।